नमस्कार दोस्तों, महाभारत में महायुद्ध शुरू होने से पहले अज्ञात वर्ष के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हारे पास मौका है, तुम अभी अज्ञात वर्ष में हो, तुम एक काम करो, जाके जितना हो सके उतना हथियार जमा करो, भगवान का पूजा करो, महादेव जी का पूजा करो, सबसे तुम अस्त्र लो और आने वाले समय में तुम्हें एक युद्ध लड़ना होगा, यानी कि एक महाविनाशक युद्ध लड़ना होगा और उस युद्ध में तुम्हारा ही अहम रोल होगा, तुम जाके हथियार जमा करो। और दोस्तों सेम टू सेम हुआ था और महाभारत में देखे होंगे अर्जुन ने सबका धज्जिया उड़ा दिया था। दोस्तों सब पे अकेला भारी अर्जुन पर आया था और सबके लिए दोस्तों खासतौर पे कृष्ण ने सारा नीति अपनाया था। कह सकते हैं कृष्ण जी जो बोला था अर्जुन वही किया था और महाभारत जीत गया था। अब आप पूछेंगे हम इतना बड़ा कहानी क्यों बता रहे हैं। दोस्तों हमारे लिए आज वही समय है, आज भारत सरकार वही कर रहा है, अभी से ही हथियार इकट्ठा कर रहा है, DRDO को ओपनली ऑफर दे दिया है, जितना खर्च करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसरो को बोल दिया है कि स्पेस में जितना हो सके उतना तरक्की करो, उतना आगे जाओ, फ्यूचर में वार कोई बंदूक से नहीं होगा, गन से नहीं होगा, न टॉप से होगा, अब होगा सेटेलाइट से वार। सेटेलाइट से पहले तो खुफिया जानकारी लिया जाएगा कहाँ पे किसका मिलिट्री बेस है और उसके बाद फिर मिसाइल छोड़ा जाएगा, यानी कि आने वाले समय में जिस प्रकार से महायुद्ध होने वाला है और चीन और पाकिस्तान को हम लोग का दिखाने वाले हैं, उस समय भारत का इसरो और उसका सेटेलाइट ही काम आएगा और दूसरी तरफ DRDO और उसका मिसाइल ही काम आएगा। दोस्तों और रही बात भारतीय सेना का, तो भारतीय सेना का दोस्तों हौसला आसमान में, उसका तो कोई तुलना ही नहीं है, ना तो अमेरिकी सैनिक कर सकते हैं, ना ही चाइनीज फोर्स से। दोस्तों एक भारतीय कम से कम 10 के बराबर है। आप पूछेंगे आखिरकार हम इतना क्यों बोल रहे हैं। देखिए हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर डिफेंस वीकली ने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट छापा है, उनका थिंक टैंक ने एनालिसिस किया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है, अमेरिका से लेकर रूस चीन सबको चौंका दिया है। दोस्तों आप जानते हैं वर्तमान में केवल एक ही देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो है रसिया। और आज भी दोस्तों अमेरिका हो गया, चीन हो गया, सब दिन रात एक करके हाइपरसोनिक पे काम कर रहा है और इसी रस में भारत भी है। लेकिन वही बात तो यह है कि भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दोस्तों हाइपरसोनिक फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। जब अमेरिका, चीन, रूस काम कर रहा था उसके कई साल बाद दोस्तों भारत उसमें एंट्री किया। लेकिन जिस प्रकार से भारत दिन दोगुना और रात चौगुना कर रहा है ना, कह सकते हैं कि पूरे दुनिया को होश उड़ा हुआ है कि आखिरकार DRDO किस प्रकार आते ही तहलका मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों आप जानते हैं सबसे पहले तो DRDO ने बोला कि हम हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लिए हैं, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड में हम कोई भी चीज़ अब दोहरा सकते हैं, वो अचीव कर लिया है। दोस्तों चीन का होश उड़ा दिया। इतना ही नहीं, DRDO ने हाल ही में एक चीज़ और अनाउंस किया, उसने बोला कि हाइपरसोनिक स्पीड जो होता है ना उसका हम लैब बनाए, कहाँ पे हम लोग अगर उसको उड़ाएंगे, भाई दुबे हाइपरसोनिक स्पीड में कोई हथियार उड़ेगा या फिर कोई मिसाइल उड़ेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा, उसके लिए हम लोग ने एक लैब तैयार किया है। दोस्तों चीन का वो का दिखा लिया था, कह सकते कि अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बना था और सबसे बड़ा दोस्तों बनाया था। आप पूछेंगे आखिरकार इससे क्या मतलब है। देखिए डिफेंस वीकली ने यही बात बोला है, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हाइपरसोनिक क्षेत्र में भारत सबका बाप होगा। दोस्तों डिफेंस वीकली ने कहा है कि हम मानते हैं अभी रसिया हथियार बना लिया है, मिसाइल बना लिया है, हम मानते हैं अमेरिका भी लगभग बना ही लिया है, हमें यही पता है कि चाइना भी काम कर रहा है, लेकिन एक बात तो 100% तय है कि आने वाले 5 साल में जिस दिन भारत का यह हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगा तो भारत का मिसाइल सबसे एडवांस भी होगा और दुनिया में सबसे सस्ता होगा, यानी कि कम दाम में सबसे बढ़िया मिसाइल भारत ही बनाएगा। और रही बात चीन का, तो चीन से लाख गुना बढ़िया होगा, भारत का एक मिसाइल चीन पे 10 के बराबर होगा। चीन का हाइपरसोनिक तो केवल नाम के लिए है, चीन का हाइपरसोनिक मिसाइल केवल नाम के लिए है, लेकिन जिस दिन भारत अपना हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया उस दिन देखेंगे तो चीन का कहानी ही खत्म कर देगा, चीन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। दोस्तों ये बात डिफेंस वीकली मैगनीज में कहा जा रहा है, कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भारतीय का कोई रोल नहीं है। दोस्तों डिफेंस मैगनीज ये बात बोल रहा है तो समझ जाइए आप लोग को कितना खुशी होना चाहिए। दोस्तों चीन का जो हाइपरसोनिक प्रोग्राम है ना दोस्तों, एक तरह से दुनिया को दिखाने के लिए है, कह सकते हैं ना दुनिया को दिखा रहा है कि देखो हम कितना खतरनाक है, जबकि दोस्तों चीन पूरी तरह से कॉपी पेस्ट करने में लगा हुआ, रसिया से दोस्तों तमाम खुफिया एजेंसी खुफिया रिपोर्ट छुपा रहा है, रफिया तमाम खासतौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल का रिपोर्ट ले लेके दोस्तों अपना काम कर रहा है और उस पर रूस कई बार इल्जाम भी लगा चुका है कि चाइना ने हमारा बहुत सारा हथियार का कॉपी किया है। दोस्तों चाइना तो एक चोर है, लेकिन भारत के बारे में जो रिपोर्ट छपा है पूरे दुनिया हिल गया है। इतना ही नहीं, डिफेंस वीकली में ये भी कहा गया है कि भारत के लिए ये 5 साल एक वरदान होगा, 5 साल में भारत इतना खतरनाक खतरा मिलेगा ना जिसका किसी को उम्मीद नहीं है, भारत एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार बनाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल
100% बना के दिखाएगा। चीन का हो सकता है एक दो बार असफल हो जाए, जिस प्रकार अमेरिका का वर्तमान में असफल हो गया है, लेकिन भारत का असफल नहीं होगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों बोला? देखिए, दरअसल डिफेंस वीकली का जो थिंक टैंक है उनका कहना है कि भारत के पास कम बजट है, यानी कि भारत के पास बहुत कम बजट है और अपने वैज्ञानिक को बहुत कम पैसा देता है, तो भारतीय वैज्ञानिक के पास असफल होने का कोई मौका ही नहीं है, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक के पास असफल होने का कोई मौका नहीं है। सिंपल सी बात कहें तो भारतीय वैज्ञानिक के पास एक मौका है, करो या मरो, यानी कि अगर ये नहीं कर पाएंगे तो भारतीय वैज्ञानिक समझता है कि चीन यहाँ से आने वाले समय में बहुत आगे निकल जाएगा और हमारे पास बजट का कमी हो जाएगा। इसीलिए भारतीय वैज्ञानिक असफल बिल्कुल नहीं होगा। भारत के वैज्ञानिक जो भी करता है वो पूरी तरह से फोकस लगा करता है, क्योंकि उसे पता है कम बजट है, एक बार हमें मिला है और उसे पूरी तरह से यूज करना है। उस बजट को हम लोग को पूरी तरह से यूज करके अपना नाम बनाना है। दोस्तों, DRDO और इसरो का हमेशा एक ही फोकस होता है कि कम से कम हमें एक बार मौका दे। आप देख लीजिए, DRDO और इसरो ने हमेशा वर्षगर से केवल एक ही मौका मांगा है और हर मौके में दोस्तों तहलका मचाया है। आप देख सकते हैं एक ही बार में भारत का इसरो ने मंगल पे अपना यान भेज दिया, मंगलयान यानी कि ऑर्बिटर भेज दिया। दोस्तों, पूरी दुनिया चौंक गया था। अमेरिका भी दोस्तों उस पर भेजने में कम से कम 3-4 बार असफल हुआ था, रशिया भी असफल हुआ था, लेकिन भारत ने पहली बार ऐसा कर दिया था। इतना ही नहीं, चीन तो अभी तक कोई अपना वहाँ पे ऑर्बिटर भेज नहीं पाया। दोस्तों, कह सकते हैं कि भारत का ये रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, भारत का इसरो ने एक बार में 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च किया। दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है। आप हाल ही में देखिए, DRDO ने लगातार 30 से 36 मिसाइल परीक्षण किया और एक भी असफल नहीं हुआ। दोस्तों, कह सकते हैं कि भारत के पास प्रेशर रहता है कि एक ही मौका है हमारे पास और उससे हम लोग को अच्छा तरीके से काम करना है। इसीलिए दोस्तों डिफेंस वीकली लिख रहा है कि आने वाले समय में भारत का DRDO हाइपरसोनिक मिसाइल बना के दिखाएगा। चाइना हो सकता है असफल हो जाए, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक नहीं होगा, क्योंकि वो अपने मौका का फायदा उठाएगा। वो जानता है कि मौका गया तो सब कुछ गया, एक ही निशाना में हमें ख़त्म करना है। अर्जुन की तरह काम करता है, एक ही तीर में मछली की आँख में छेद करने का काम भारतीय वैज्ञानिक कर रहा है। इतना ही नहीं, 2021 से लेकर 2026 यानी कि 5 साल में भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका, रूस, चीन सबका गैप पूरा करेगा। आप बोलेंगे गैप क्या है? दोस्तों, अंतर, यानी कि जितना अभी अमेरिका, रूस और चीन हमसे थोड़ा बहुत आगे है ना मिसाइल बनाने के मामले में, भारतीय वैज्ञानिक 5 साल में उतना दोस्तों गैप पूरा करके लगभग चीन से ऊपर या फिर रशिया के बराबर दोस्तों आ जाएगा। ये 5 साल भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा और यह बात डिफेंस वीकली बोल रहा है कि 2025 सभी तक भारत हर क्षेत्र में लगभग चीन, अमेरिका, रूस के बराबर हो जाएगा, चाहे स्पेस क्षेत्र हो या फिर मिसाइल क्षेत्र हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल हो या फिर फाइटर जेट हो, जो भी क्षेत्र हो सब में भारत सबके बराबर में आ जाएगा और 2025 सभी तक भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। उस समय भारत को हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और बड़ी बात तो यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल भारत का स्वदेशी होगा और सबसे बढ़िया होगा और सबसे सस्ता होगा, जिसे चाइना को कई बार सोचना होगा कि आखिरकार भारत ने ये कैसे किया। दोस्तों, डिफेंस वीकली देख रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक में वो क्षमता है जिसपे अड़ जाए वो काम करके दिखाता है।